live. Welcome to the new vlog. आज हमारा कलाम का चौथा दिन है और आज इधर बर्फबारी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अभी मैं आपको उसके सीन्स दिखाता हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, 9:10 बजे। आज का हमारा प्लान था टूर का, आगे जो हमने जाना था पुश हो रहा है स्टोर किसी तरह आगे जो भी आगे प्लेसेस थी। तो उनमें एक ही कॉल आ गई है कि मैं आने लगा, तो आप बस रेडी हो जाएं। तो हम रेडी होकर बाहर ही आए हैं। तो देखें स्नोफॉल हो रही है बिल्कुल लाइट लाइट सी। बाकी कुछ खाने पीने को भी लेते हैं तो फिर उनके साथ निकलते हैं। नीचे आ गए हैं, बस सोचा सफर पे जा रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए छोटे मोटे स्नैक ले लें। तो ये ले लिए इस चौक से। अब बस हम उसका वेट कर रहे हैं ड्राइवर को, जैसे ही वो आए लोकेशन हमने उसको बता दी, जैसे ही वो आएगा तो हम आगे निकल लेंगे। फिर आपको बाकी भी सारी चीज़ें सिखाते हैं। देखिए मौसम जो है ना तेजी से मशहूर हो गई। लेकिन ठंड में भी बहुत इजाफा हो गया, और अभी के स्नो में ठंड कम हो जाती है। ड्राइवर पूछ रहे हैं होटल के बारे में, बहुत मुश्किलों से रास्ता मिला। सर के ब्लॉक हो गई हैं, स्नोफॉल भी हो गई है। देखो अब हम बैठते हैं और फिर आगे निकलते हैं। वहाँ पर 3,000 रुपए का पेट्रोल डलवाया बस। ये बिजनेस बाकी 3,000 अपना इनकम। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये व्यू देखिए कलाम माल रोड का। हो सकता है आपको कैमरा में नजर ना आ रहा हूँ सही, लेकिन स्नोफॉल हो गई थोड़ी सर। अब हमने कहा कि जरा ATM से कैश विड्रॉल कर लें, विड्रॉल करेगी पैसे तो वही करने आए बैंक में भी। अब ATM में फिर निकल कैश विड्रॉल हम निकल लिया, बस ही कैश वगैरह पकड़ के निकलते हैं। चलो जी अब हम निकलते हैं अपने सफर को। सबसे पहले हमारा स्पॉट है ओशो फॉरेस्ट, अब उधर के लिए निकलते हैं। चलो जी चलें जी। कलाम माल रोड से सिर्फ 5 मिनट का भी हमने सफ़र किया तो इतनी बर्फ़ आ गया कि चेन के बगैर ड्राइवर कहने जा नहीं सकती आगे गाड़ी। ये देखें फ्रीज पहाड़ बने हुए हैं बर्फ़ के। ये देखें चेन लगा रहे हैं। बाकी अब कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, कुछ सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हैं। क्या व्यू है यार, ऊपर जाके क्या होगा। अभी सिर्फ 5 मिनट का सफ़र किया, घंटे डेढ़ का है सफ़र फलोगा पास का। ये ओशो फोटोस यहाँ से स्टार्ट होने लगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें ओशो फोटोस यहाँ से स्टार्ट हो रहा। उसके बाद आगे छोटा मॉडर्न बड़ा मॉडर्न पता नहीं जो उनसे भी जाके ड्राइवर से ही हमें पता चला। उसके बाद फलोगा पास उसके दरमियान में बहुत ज़्यादा लेक्स वगैरह ग्लेशियर आएँगे सब कुछ। बाकी जाके देखते हैं क्या हालात है वहाँ पर। ये देखिए हाँ भाई इंजॉय कर रहे हैं यार, मेरे भी यार के पिक्चर बना दो सर। स्लिप हो रहा है यहाँ पे पाँव। देखिए जी रास्ते के मैं छोटे छोटे से क्लिप रिकॉर्ड करके ना ब्लॉग में अटैच करूँगा। 1.5 घंटे का सफ़र है फ्लोर का पास का, सारे शूट करते हैं अपने छोटे छोटे से। क्या बात है जी, आ गया ओशो फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से जी। ओशो फॉरेस्ट और यहाँ के लोगों को कहना है बिल्कुल सेफ है ये, कोई खतरनाक जगह नहीं है ये, कोई जानवर वगैरह नहीं आता, बिल्कुल सेफ साफ सुथरा। चेक करो फुल बड़े से बड़ा। जिस तरह आप ऊपर जाई जाएंगे स्नो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। चेक करिए पहुँच गए ओशो फॉरेस्ट, ये सही ओशो फॉरेस्ट है। ये देखें चेक करें जरा व्यू, ठंड भी बहुत
बहुत ज्यादा -17 टेम्परेचर था। ये देखें चलते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, स्लिप हो रहा था। ये देखिए काफी ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, चेक करें। ये आज की फोरकास्ट थी, जैसा कि मैं आपको पिछले व्लॉग्स में बता रहा था, तो आज सुबह 6 बजे शुरू हो गई थी बारिश, और आज पूरा दिन है 80-90% चांसेस है, आज पूरा दिन तेज स्नोफॉल होनी है। ये देखें भाई पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं। जी रुशान साहब मजा आ रहा है, हाथों पे जब बर्फ गिर रही है ना सूम हो जाते हैं हाथ, बहुत मुश्किल से व्लॉग बन रहा है। सो आपके लिए मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो आपका भी अब काम बनता है कि प्यार दिखाएं। वैसे ये नीचे तो देखें जरा कितनी बर्फ है, फुल बर्फ से बड़ा, और वहाँ ऊंचाई वहाँ पे भी जाएंगे, बहुत मुश्किल है वहाँ पे जाना, यहाँ पे नहीं चला जा रहा, इतना स्लिप हो रहा है। आप पिक्चर वगैरह कुछ लेते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट स्पॉट पर निकलते हैं, इससे पहले कि शाम हो। अभी तो वैसे जोहर का टाइम है, लेकिन मुझे लग रहा है हर पॉइंट पर रुकते रुकते शाम हो जानी है हमें, पर सर आपको दिखाएंगे 1-2 व्यू सर। ये और भी कुछ व्लॉगर्स वगैरह आए हैं, पहले भी एक दो नज़र आए थे, देखिए गोप्रो से शूट कर रहे हैं और हम आईफोन से शूट कर रहे हैं, लेंगे इंशाल्लाह हम भी गोप्रो, थोड़ा सा चढ़ने दें ज़रा यूट्यूब पे इंशाल्लाह। सारा कुछ नीचे पहना हुआ, लेकिन फिर भी ठंड कवर नहीं हो पा रही, थोड़ा कम करो देख सकते हैं। लाला इसके बाद बताएं आप कौन कौन सा प्लेस आएगा इसके बाद, उशो फॉरेस्ट के बाद कौन सा, उशो रिवर, ठीक हो गया। उशो रिवर की तरफ हम जा रहे हैं, देखते हैं वो कितनी दूर है, बड़ा खतरनाक रास्ता है, थोड़ी सी गाड़ी ही देखेंट बाकी अल्लाह है राफी से कुछ चाहते हैं चाहिए, बाकी उधर पहुँच के आपको दिखाते हैं वो, देखते हैं वो कैसा है। ये देखिए जरा व्यू चेक करें, गाइस एक चीज दिखाऊं आपको, बड़ी मजे की नजर आएगी एक चीज गाड़ी में। ये देखिए भाई ने हीटर लगाया हुआ, अंदर का टेम्परेचर जो है 13 और बाहर का -29 टेम्परेचर है, इतनी ठंड है अंदाजा लगाया, पंजाब वाली साइड में 20-15 टेम्परेचर होगा, यहाँ पे -29 है, -29 इधर से यहाँ पे सब लगा सकते हैं, इधर कितनी ठंड है, सामने से गाड़ी आ गई, कपड़े हिसाब से निकालनी पड़नी है। ये देखिए इतने इतने रस्ते हैं और सामने से देखिए गाड़ियों वाली उस तरफ खाई है नीचे, बड़ी खतरनाक इधर की ड्राइविंग है। ये देखिए वो देखिए कहाँ वहाँ पर चला दिया, निकल गई हमारी गाड़ी, जैसे जैसे हमारी गाड़ी बर्फ में, अभी के चेन लगाया हुआ दोनों टाइप, इतनी बर्फ
देखे आगे गाड़ी फंस गई, चेन लगाई हुई है लेकिन आगे नहीं निकल पा रही, इतनी बड़े भाई। ये देखें गाइस, आगे दो तीन चार पाँच सारी गाड़ी जो है ना ब्लॉक हुई है, बड़े मुझे से आगे नहीं निकल पा रही, चेन्स भी लगाए हैं हम भी उनकी वजह से वेट कर रहे हैं, पता नहीं हम भी आगे बढ़े तो वो सकते ना निकल पाए हमारे। लला ये कितना कितना बड़ा होगा, कितना फुट? चढ़ाई पर टोपे है तो देखें हम सारा मन, पहले हम उधर से गुजर रहे थे यहाँ से भी गाड़ी ऊपर ऊपर आ गया, ऊपर का व्यू चेक यार, प्लेस बहुत अच्छी प्लेस है, खूबसूरत लेकिन हमें आदत नहीं है, हमें इस वाले इलाके में ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन लोग देखे रह रहे हैं, लेकिन फुल बर्फ से ढके हुए यहाँ पे, इतने ठंडे हो गए, कुछ काम शाम और चलो कलाम में कुछ दिन रहने का फायदा तो होगा ना कि हमें बर्फ देखने को मिलेगी, नहीं तो हम पहले प्लान कर रहे थे कि एक आधा दिन इधर रुकेंगे फिर इधर से निकल जाएंगे कहीं और, लेकिन नसीबों में था हमारे बर्फ देखना। आज हमारे इधर कलाम में आज तीसरा या चौथा दिन था, बस आज वाला व्यू देख के एक दो हफ्ते से जाए वो हो सकता कल देखे, नहीं तो डायरेक्ट इधर से मालम जब सवार पिंगोरा पूरा सीधा खुला हुआ ले जाए। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, ठंडा पानी होगा पाकिस्तान गाइस, कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बहुत। स्पीड खींची है भाई ने, नीचे जाने लगी थी गाड़ी, आगे गाड़ी बहुत ज्यादा स्लो चल रही है, फुल रेसिंग है भाई, हैंड ब्रेक खींच के चलानी पड़ रही है। लव दिस व्यू, ये चालू सफर चल रहा है।
अचानक से ना गाड़ी पीछे आना शुरू हो गई, स्लिप हो रही थी, फुल स्लिप हो रही थी। उन्होंने जैसे थोड़ा बहुत ना पत्थर वगैरह छोटा मोटा उठा के गाड़ी के पीछे रखा, टायर के पीछे, जो डायरेक्ट हमारी गाड़ी पे आगे से नहीं लगना था। वो खान बोले है ना, और ये घबराना नहीं, लेके आए मैं बस घबराना नहीं। तुम अच्छा, दोनों गाड़ियां जो है ना, दोनों गाड़ियां वो कहने भी बंद कर दो, फंसी हुई है गाड़ी आगे नहीं जा रही, चेन लगा के भी इतनी इतनी स्लिप हो रही है यार। यार 4x4 इधर चेंज लगा के स्लिप हो रहे हैं, पीछे रिवर्स आ जाते, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने जल्दी से उतर के पत्थर वगैरह लगाए। ये देखिए जरा पत्थर वगैरह लगाए, फिर जाके थोड़ा सा गाड़ी रुकी पीछे ना, बड़ी मुश्किलों से। ये देखिए जरा गाइस, हमें ड्राइवर नीचे भी नहीं उतरने दे रहा कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है नीचे, नीचे ना ही उतर हमें, कोई स्लिप होकर गिर ना जाए। मैं इस वक्त ब्लॉग बना रहा हूँ तो मेरी जैकेट पे गाड़ियाँ वगैरह फंसी हुई हैं और ड्राइवर बाहर नहीं आने दे रहे थे, बहुत ज़्यादा ना इधर स्लिप हो रहा है। ये देखिए बड़ी मुश्किलों से बाहर आए हम, ड्राइवर तो बहुत ज़्यादा हमें बोल रहे थे बाहर ना हो, बहुत ज़्यादा स्लिप है, स्लिपरी है यहाँ पर। लेकिन व्यू भी तो लेना था ना हमें, चेक करें चेक करें, लेकिन सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तीन चार गाड़ियों की वजह से इससे ऊपर जाया ही नहीं जा रहा। अगर एक दो निकल गई तो फिर हमारी गाड़ी भी जा सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो, फिर ऊपर करके गुजारा हो रहा, वो गाड़ी सीधा मुझे चेक करें जरा। ये 4x4 इधर जीप्स चलती हैं, लेकिन दोनों तरफ चेन लगा के ना, बाकी अभी तो भी थोड़ा शूट करते हैं, पिक्चर वगैरह लेते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं अगर तो जाया गया तो, नहीं तो वैसे तो गाड़ियाँ रुक गई हैं। इधर भी पत्थर लगाया इन्होंने, इस तरह भी पत्थर लगाया गाड़ियाँ, नहीं तो स्लिप होनी थी, बैग आ रही थी। ये देखिए चेक करें सर, चेक करें ब्लैक पर सही फील हो, चेक करें कितना। आप कुछ शूट कर लें पिक्चर वगैरह।